हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपके फ्यूचर के लिए, या फिर आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर आ रही है ज़िंदगी की, उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस मिल रहा है, ये हम देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओके, और आपको इंट्यूटिवली इस बार चूज़ करना है, ओके। बहुत लोग बोलते हैं कि उनको इंट्यूटिवली चूज़ करने में दिक्कत होती है, ठीक है, उनके लिए नेम के लेटर्स से चूज़ करना इजी होता है, वगैरह वगैरह। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे फोकस करें, थोड़ा सा टाइम लें, एंड थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़े से ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएँ, ओके। सो आज आपको इंट्यूटिवली ही कार्ड सिलेक्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी सा तरीका है। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, सबसे पहले कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है आइसिस, ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग कार्ड। सेकंड कार्ड है हमारा, यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ग्रुप है, ये है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप है, वी हैव सेरापिस बे असेंशन, ओके। सो आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर एक गहरी सांसें लीजिए, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल लाइटली। उसके बाद आप दोनों कार्ड्स पे आराम से फोकस करें एंड आइज को क्लोज करें। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएं, कुछ भी ना सोचें, आइज को ओपन करें और देखें कि किसके तरफ आपका जो इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन है वो कौन से कार्ड की तरफ ज़्यादा हो रहा है, और उस कार्ड को बिना कन्फ्यूज्ड हुए आप चूज़ कर लें, ठीक है। सो इस तरीके से आप चूज़ कीजिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हे ग्रुप नंबर वन, अगर आपने मैजिक मैनिफेस्टिंग कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड की मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके आगे आने वाले वक्त के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो आपने चूज़ किया है मैजिक मैनिफेस्टिंग कार्ड को, तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जो भी सपने देख रहे हैं प्रेजेंट में, अगर आपको लग भी रहा है कि शायद ये इम्पॉसिबल है या नहीं हो सकता, तो आपको उस ड्रीम को देखना छोड़ना नहीं है, या फिर अपने विजन पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने विजन से। बेसिकली जो भी विजन आपकी है, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके गोल्स हैं, उस पर आपको ट्रस्ट करना है, बिलीफ रखना है कि वो पूरे होंगे, बिकॉज सही में वो सारी चीज़ें जो भी आप सपना देख रहे हो अब तक, वो आगे आने वाले वक्त पर बहुत जल्द आपको धीरे धीरे पूरा होता हुआ नज़र आएगा, वन बाई वन। तो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में पूरे होने वाले हैं। सो अपना जो कंसंट्रेशन, फोकस एंड जो थॉट प्रोसेस है, उसे आप जो है एक ही जगह पर अटल रखें, ठीक है, और अच्छा अच्छा सोचें, बिलीव करें अपने डेस्टिनी पे एंड अपने विशेस पे, अपने इच्छाओं पे, ओके। तो और भी कार्ड्स हम देखेंगे। We have creativity, you love to devise new ideas, innovations and form of illumination. So आपको यहाँ पर यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, हो सकता है कि आप इस चीज़ को जानते हैं, हो सकता है कि आप आर्टिस्टिक हैं, हो सकता है आप प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट हो, और एल्स हो सकता है कि आप नहीं जानते हो उतना ज़्यादा, या फिर आप अपने क्रिएटिव साइड में ऐसा फोकस नहीं कर पाते हो टाइम की वजह से, या फिर आप डिस्कवर आपने नहीं किया है। तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अपने क्रिएटिव स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए, अपने क्रिएटिव साइड को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, बिकॉज उससे आपको और भी ज़्यादा सक्सेस आने वाले वक्त पर मिलने वाला है। गॉड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने क्रिएटिव साइड पर ध्यान दें, उससे कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में सक्सेस लेकर आएगी। सो नयापन ऐड करने की कोशिश करें, ठीक है, अपने हॉबीज़ को टाइम दें, अपने क्रिएटिव साइड को आप जो है उस पर फोकस करें, उस पर थोड़ा सा वक्त डालें, और अगर ऑलरेडी आप एक आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनली आप कुछ आर्टिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या क्रिएटिव फील्ड से आप हैं, तो उसमें आप एक्सपैंड करने की कोशिश करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, या जो टैलेंट आपके पास एग्जिस्टिंग है उसे पॉलिश करने की कोशिश करें। तो क्रिएटिव साइड पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, चाहे वो आपके थिंकिंग में हो, आइडियाज़ में हो, या फिर स्किल्स में हो। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो डेफिनेटली आपको उस पाथ में बिल्कुल सक्सेस मिलने वाला है, तो जो भी कर रहे हो करते रहो, ठीक है, आपको हार नहीं मानना है, ना निराश होना है अगर आपको ऐसा आउटकम देखने को नहीं मिल रहा हो तो, ठीक है। तो और भी कार्ड्स देखते हैं।
we have three of vessels. We have the pole star. We have king of arrows in reverse. ओके सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. सबसे पहली चीज़ ये थ्री ऑफ वेसल्स, ये आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. गॉड आपको बताना चाहते हैं कि अपने आप को फ्री करिए, ठीक है. रिस्ट्रिक्ट अपने आप को मत कीजिए, या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंसिस की वजह से यू नो अपने फ्यूचर को अज्यूम ना करें. आपको बताया जा रहा है कि दिल खोल के जीना सीखे. अगर आपको कोई प्यार करना चाहता है या फिर आप किसी को प्यार करना चाहते हो तो दिल खोल के करो, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ पर लाइफ में टेम्पररी है. कोई लाइफ टाइम साथ नहीं रह सकता. आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है, तो जो भी चीज़ें हैं वो एक एक्सपीरियंसिस है, मेमोरीज़ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. जो भी अटैचमेंट है वो सारे फेक चीज़ें हैं, ठीक है. वो सारी 3D चीज़ें हैं जिसका कोई भी वजूद नहीं है एक समय पे जाकर. सो अपने आप को फ्री करें, रिस्ट्रिक्ट मत करें, या फिर डरे नहीं कि यू नो आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, या फिर लोग आपको चीट कर देंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे. ओपन माइंडेड रहिए, सही गलत में डिफ्रेंशिएट करना सीखें, लेकिन अपने आप को ज़्यादा यू नो रिस्ट्रिक्ट ना करें. सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में ना रहें. कम्युनिकेट करें लोगों से, सोशलाइज करें, डेट करें अगर आपका मन है तो, घूमें फिरें, इन्जॉय करें, ठीक है. एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो बेशक आइए. इतना ज़्यादा टेंशन आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है कि इसका आउटकम क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ठीक है. वो चीज़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपका है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो और आप क्या कैसे कंटिन्यू करना चाहते हो. तो ओपन माइंडेड रहिए, फ्री स्पिरिटेड रहिए, डिफ्रेंशिएट करना सीखें, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ को इन्जॉय करना सीखें. लव लाइफ में यू नो रिसीविंग मोड पर रहिए. उतना ज़्यादा अपने आप को बंद करके ना रखें कि नहीं यू कांट लव समबडी और आप लव डिजर्व नहीं करते. ऐसे माइंडसेट से आपको हटना है. यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाह रही है, बिकॉज जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि आपको लव नहीं मिल सकता या आपके आपके इच्छाओं की तरह पर्सन नहीं है, वो आपका खुद का बनाया हुआ एक इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है. तो रियलिटी में आइए एंड यू नो हर एक पल को जीना सीखिए, ठीक है. बिकॉज आपको प्यार करने वाले बहुत हैं, ट्रस्ट मी. करियर से रिलेटेड यहाँ पर आया है पोल ऑफ स्टार. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप पेशेंस रखते हो, आपकी सारी इच्छाएं, सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, बहुत बड़े लेवल के होंगे. हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो, आप लोगों को हो सकता है फॉलो नहीं करना चाहते, आप रैट रेस में नहीं दौड़ना चाहते, तो बिल्कुल ऐसा ना करें. अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो अपने करियर में तो ज़रूर उस चीज़ को परस्यू करें, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा. लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा. आप बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हैं. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी अगर हम काम करते हैं तो तुरंत उसका रिजल्ट कभी भी हमें नहीं मिल सकता. या फिर अगर हम चाहेंगे कि हमें सब कुछ एक ही बारे में मिल जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं. तो बेटर ये है कि अपना कर्म आप करते रहें और पेशेंस रखें. रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. और करियर में जैसा सपना आप देखते हुए आ रहे हो, लाइक जैसा आप अर्न करना चाहते हो, ज़्यादा जैसे पोजिशन पर आप रहना चाहते हो, वो सारे ड्रीम्स आपके इसी लाइफ टाइम में पूरे होंगे. यूनिवर्स आपको ये अश्योर कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रही है यूनिवर्स कि यू नो अगर किसी का सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी आप अकेले चलो, क्योंकि गॉड आपके साथ हैं. गॉड आपको बताना चाहते हैं कि यू आर नॉट अलोन. अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, गॉड आपके साथ हैं. आप बस अपने करियर पे फोकस करो एंड उस पे बढ़ते रहो, काम करते रहो, और डेफिनेटली अगर पेशेंस रखते हो तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ओके, हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस आपके लिए आए हैं. यहाँ पे किंग ऑफ एरोस इन रिवर्स. यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अपना ध्यान रखें. आप हो सकते हैं बहुत कम पानी पीते हो या पानी पीते नहीं हो, या ढंग से आपका डाइट और आपका जो हाइड्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से वेल बैलेंस्ड नहीं है. तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने खाने में और पानी पीने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें. बिल्कुल भी आप हो सकते हैं बार बार डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, या फिर आपको मन नहीं करता पानी पीने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आपकी बॉडी को नीड नहीं है पानी की. सो मुझे ज़्यादा पानी की एनर्जीज यहाँ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श है अपने ऊपर. हो सकता है टाइम से नहीं खाते हो, कभी कभी स्किप कर देते हो खाना, या उल्टा सीधा ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है. कभी कभी बिल्कुल नहीं खाते हो तो कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हो. कोई सिस्टमैटिक टाइम नहीं है खाने पीने का. पानी कम पीते हो, ठीक है, एयरेटेड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पी लेते हो. तो इस डाइट में अंदर आपके क्या जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस पर ज़रूर फोकस करिए, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका खाना और पीने का जो तरीका है वो चेंज हो और उसमें यू नो बेहतरी आए. ओके, ऑल राइट. सो चलिए कुछ एंजल्स के और भी मैसेजेस आपके लिए देखते हैं.
वी हैव लुक फॉर अ साइन. सो यहाँ पर आपको बताना, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके आपके हर आपके साथ में हर एक पल आपके स्पिरिट्स गाइड्स, आपके आर्क एंजल्स हैं. ठीक है, अगर आपको कभी भी लगता है कि आप डायरेक्शन लेस हैं, आपके पास कोई नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें ना करें, अपने एंजल्स से पूछें, वो आपको कोई ना कोई सिम्बॉल ज़रूर देंगे. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर महसूस करना चाहोगे तो आप उनको अपने साथ हर एक जगह में पाओगे. और बहुत लोगों में हो सकता है कि आपने महसूस ऑलरेडी किया है, तो इसकी कन्फर्मेशन एंजल्स आपको देना चाहते हैं कि दे आर विथ यू. ओके, और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं आपके कंपेनियन की तरह. नो सो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई वरीज़ है, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, ना वरीज करना है. ठीक है, और खुद की लाइफ खुद को प्रिडिक्ट नहीं करनी है. ओके, डोंट स्टॉप. आपको बताया जा रहा है कि जो भी सपना है उसमें वर्क करते रहो, भले ही उसमें रिजल्ट दिखे ना दिखे, लगे पॉसिबल है या नहीं, बट डोंट स्टॉप. ठीक है, कीप वर्किंग, अपने हार्ड वर्क जो है वो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो. ओके, और बड़ा ग्रेक्स वी हैव इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत अच्छा कुछ आपके लाइफ में आ रहा है बहुत जल्द. सो बी रेडी. ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलिएगा. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप वन. हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपने सेकेंड कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सो आपने चूज़ किया है असेंशन कार्ड को, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखने की कोशिश करें. कभी भी निराश मत होइए, कभी भी अपने आप पर सेल्फ डाउट ना करें. ठीक है, कभी कभी यू नो अपने लाइफ को क्वेश्चन ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. आपको बताया जा रहा है कि आपको लाइट की तरफ आगे बढ़ना है. जितना हो सके उतना आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, और जितना हो सके उतना आपको अपने इनर पोटेंशियल को फील करने की ज़रूरत है. बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, पोटेंशियल हैं, लेकिन आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो ट्राई करो कि इंटरप्रेट करो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, एंड यू नो सेल्फ इवैल्यूएशन करो, एंड ट्राई करो कि नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो चुका है, हमेशा पॉजिटिव रहें, एंड यू नो फ्यूचर को, अच्छे फ्यूचर को इन्वाइट करने की एनर्जी में आप रहें, हायर वाइब्रेशंस में रहें. हायर वाइब्रेशंस में कैसे आओगे, अपने लाइफ में फोकस करके, अपने लाइफ को वेल बैलेंस्ड बनाकर, मेडिटेशन करके, योगा करके, ठीक है, मंत्र चैंटिंग करके, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनकर, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आप करके आप अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में पहुंचा सकते हो, अपने माइंड सेट को क्लियर करके, क्लिनजिंग करके. ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं. ओके, सो यहाँ पर आया है पर्पस. सो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत एक मेजर, कोई सॉलिड सोल पर्पस है, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको पता है, हो सकता है नहीं पता है. सो नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करें. कैसे पता करेंगे, देखिए सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ है, एक वक्त में गॉड आपको खुद बता देता है कि माई चाइल्ड दिस इज़ द टाइम नाउ, तुम्हें ये करना है. ठीक है, तो वो टाइम अब डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है. ठीक है, अवेकनिंग हो सकती है आपकी, या कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसको देखकर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मुझे ये करना है. सो आपके लाइफ में कोई एक सोल पर्पस है, तो ट्राई करो कि फाइंड आउट कर पाओ कि आपकी सोल पर्पस क्या है. रीडिंग्स के थ्रू भी आप जान सकते हो कि आपकी सोल पर्पस क्या है. सो सोल पर्पस जानने की कोशिश करो, बिकॉज डेफिनेटली आपका एक कोई कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स में. ठीक है, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्यार बांटने आए हो, कहीं ना कहीं आप यूनिटी शो करने आए हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ध्यान दें, अपने अच्छे साइड पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ये वक्त है आपका कि आप अपने लाइफ में तो फोकस करें, बट आप एज अ ह्यूमन बीइंग इस यूनिवर्स में आए क्यों हो, बेसिकली इस अर्थ में क्यों आए हो, उसको समझने की कोशिश करें, एंड अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें. बिकॉज आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने आए हैं इस सोसाइटी को एक अच्छा जगह बनाने के लिए, तो इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें, अच्छे कामों पर फोकस करें, अपनी अच्छी एनर्जीज पर फोकस करें. ठीक है, और अच्छे हैबिट्स में भी फोकस करें. ठीक है, अपने लाइफ में. तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं. We have 10 of vessels.
We have two of stones. We have nine of stones. ओके सो ये कार आपके लव लाइफ के लिए आया है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि यहाँ पर ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही है आपसे रिलेटेड. यूनिवर्स चाहती है कि आप प्यार बांटो लोगों में, ठीक है, जिनको प्यार नसीब नहीं हुआ, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, जो लोग ऑर्फन्स हैं, जो लोग स्ट्रेज एनिमल्स हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता, अफेक्शन नहीं मिलता, उनको आप प्यार दो, ठीक है. सो आपके लव लाइफ इस तरीके से है कि आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा, ठीक है. आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा प्यार चाहिए वैसा प्यार चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा. लेकिन आपको आपके अंदर वो शेयरिंग वाली एनर्जी रहनी चाहिए कि आप सबको प्यार कर रहे हैं, ठीक है. अफेक्शन है सबके लिए, ठीक है, सबके लिए आप केयर कर रहे हो, तो ये एम्पैथेटिक एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है. उसके बाद आपके लव लाइफ में ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा, आपको लव लाइफ में सब कुछ मिलेगा. आपको एज सच अपने पर्टिकुलरली अपने लव लाइफ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने अंदर को यू नो कोई चीज़ शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा ताकि आपके लव लाइफ में कुछ बेहतर हो. ओके एंड आपके करियर से यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके करियर में आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्लियर रहिए क्या करना है, क्या करना चाहते हो. एक साथ दो तीन जगह में आप अगर यू नो इन्वेस्ट करने का सोचोगे, काम करने का सोचोगे, नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं बन पाएगा और ना उसका कुछ अच्छा आउटकम आ पाएगा. यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास ढेर सारे चॉइसेस हैं, अगर आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, अगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग. बट पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दो एंड पर्टिकुलर चीज़ में फोकस करके उस चीज़ को पहले कंप्लीट करो. सो करियर में भी अगर दो ऑप्शंस हैं तो सबसे पहले देखो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन में आप ज़्यादा यू नो इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी एनर्जी, एंड उस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ को चूज़ कर लो एंड यू नो उस चीज़ को कंप्लीट करो, ठीक है. तो जगलिंग मोड पर आपको नहीं रहना है. फाइनेंसिस के मामले में भी आपको इधर उधर खर्चा नहीं करना है, जितना हो सके सेविंग्स करो, ठीक है. हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है, वो एसेट्स खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उनके साथ साथ यू नो लेवल अप करने के लिए आपको भी वही चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है. अल्टीमेटली नो वन केयर्स, ठीक है. अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हो, कैसे जीते हो और आप उस चीज़ में खुश हो या नहीं हो, ठीक है. बाकी दुनियादारी में शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है, ट्रस्ट मी, ठीक है. सो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है. तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करें अपने करियर में, फाइनेंसिस में, और एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस करें, ठीक है. ऐसा नहीं कि दो तीन चीज़ें कर रहे हो, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई जॉब करते हो लेकिन कोई एक एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो जॉब को छोड़ो, एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो. ऐसा नहीं कि जॉब भी कर रहे हो फिर एक दो घंटा मिल रहा है तो उसमें पढ़ ले रहे हो, तो उस तरीके से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल था. एंड नाइन ऑफ स्टोन से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने फिजिकल हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो आपको ज़्यादा बताया जा रहा है कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए, प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करने की आपको बहुत ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं अपने सोल से ही, ठीक है. तो अटैचमेंट के लिए आपको एटलीस्ट मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है. और अगर आपके हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे जैसे कि बैक पेन, ठीक है, लोअर एबडोमिनल में कुछ इश्यूज़, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने चक्रास पे वर्क करें. चक्रास पे वर्क कैसे करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल मेडिटेशन करें, ठीक है. चक्रा मंत्र चैंटिंग भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो. बट इन जनरल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके बैक में एंड आपके लोअर एब्डोमिनल में इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज आपके जो लोअर के जो चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं और आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं अपने सोल से, अपने लाइफ से, अपने रूट से. तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, मेडिटेशन एटलीस्ट करने की कोशिश करें, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, ठीक है. अपने अंदर की एम्पैथेटिक एनर्जी को जगाने की कोशिश करें, जागृत करने की कोशिश करें, ठीक है. और अपने बैक और लोअर एब्डोमिनल से यू नो थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें कि वहाँ पे कोई इश्यूज तो नहीं हो रहा, ठीक है. सो यहाँ पर दिख रहा है. सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए. एंड ऑल्सो अगर आप बाहर का खाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बंद करने की ज़रूरत है, ठीक है. ये एक मेजर गाइडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा सिक आप हो सकते हैं आगे आने वाले वक्त पर. सो अगर आप फास्ट फूड खाते हो या बाहर का खाते हो तो प्लीज़ बंद करें उस चीज़ को. विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए, कोई मेजर गुड न्यूज़. नॉट द राइट टाइम, ठीक है. सो अगर अभी माइंड में कोई चीज़ चल रहा था तो अभी वक्त नहीं है, ठीक है. तो टाइम लो अपना, आराम से कंटिन्यू करो या आराम से डिसाइड करना. अभी तुरंत कोई भी डिसीजन मत लो अपने लाइफ का किसी भी चीज़ से रिलेटेड,
रिकवरी। तो यस, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, क्लेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, एंड बी अ बेटर पर्सन बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर एंजल्स। एंड व्हाट अदर डायरेक्शन वी हैव, वेट। तो आपको अभी थोड़ा सा ना रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अभी आपका टाइम है कि आप थोड़ा सा चिल करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आपके लिए टाइम निकालें और ज़्यादा कुछ करें ना अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपकी एनर्जी को थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। सो गाइस, ये थे आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।